ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा, मेरी बेटी की बेटी है छोटी और उसको संभालना पड़ता है, उसके लिए आए हो, पत्रकार छोड़ दिए तो यूट्यूब अच्छा पड़ता है कि घर में बैठे बैठे कुछ चलाओ। तो उन्होंने जो बोल दिया वो सच्ची बात है, मेरा हिंदी बम्बईया हिंदी है और हिंदी फिल्म का हिंदी है, शायद उतना अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जो यूट्यूब बनाता हो वो इतनी अजीब बात है कि उसमें सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो जो है वो पहले चार पांच वीडियो उसमें चार हिंदी है। मुझे भी अजीब लगता है कि मैं खुद बोलता हूँ कि मैं अच्छी हिंदी बोल नहीं पाता, फिर भी चलते हैं, मुझे अजीब लगता है। शायद उसमें जो कंटेंट है उसके लिए लोगों को आकर्षण होगा। अब यही तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझसे अच्छी तरीके से सुनील ने बात पेश की है महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब के बारे में, तो 200 साल पीछे आपको सुनील लेके गए थे, मैं वहाँ से आपको उठाकर यहाँ लाऊँगा। इसलिए लाऊँगा कि मैं पत्रकार हूँ, बेसिकली 50 साल से पत्रकार हूँ मराठी में, और एक बात मैं मानता हूँ, जब तक कोई खबर रिलेवेंट नहीं होती तब तक वो एक कहानी होती है। तो हम महात्मा बोल लेते हैं, इसको महात्मा बोलो उसको महात्मा बोलो, लेकिन महात्मा कैसे बने। हमारे मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही, यानी छिन्नी हथौड़ा होता है वो पत्थर मार मार कर उससे एक मूर्ति निकाली जाती है, तब हम मूर्ति पूजना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पत्थर जो घाव सहन करता है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो महात्मा फुले हम आज बोल रहे हैं, लेकिन जिस समय वो महात्मा बन रहे थे उस वक्त कौन उनको महात्मा मानता था? 1890 में उनकी मौत हो गई, देहांत हो गया, उसके मेरे ख्याल है 2 या 3 साल पहले उनको महात्मा उपाधि दी गई थी, लेकिन वो जो काम कर रहे थे उस वक्त उनको कोई महात्मा नहीं मानता था। ये बड़ी अजीब बात होती है, हमारे सामने होते महात्मा, हम ना समझ पाते हैं ना देख पाते ये महात्मा है। इन्होंने जो बोला कि मैं मोदी जी से कभी मिला नहीं, फिर भी मैं सबसे अच्छा जानता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि 50 साल के बाद ये महात्मा होने वाला है। रिलेवेंस वो होता है दोस्त। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि महात्मा होने वाले हैं, हमारी अगली पीढ़ियां उनको महात्मा बोलने वाली है, मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? क्योंकि 200 साल 150 साल पीछे मैं जाता हूं तब देखता हूं कि इन्होंने जो बताया कि ज्योतिबा फुले एक शादी की बारात में गए थे, उनका इंसल्ट हुआ, अपमान हुआ, तो वहीं से शुरू होते महात्मा की यात्रा, वहीं से शुरू होती। और इन्होंने जो बोला सनातनी, उसको आज के जमाने में उसको इकोसिस्टम बोलते उसको, कि तुम जीतो पराक्रम करो, लेकिन जब तक हम रिकॉग्नाइज होते करते, हम जेएनयू वाले हैं ना, हम आपको नहीं रिकॉग्नाइज करते, समझे सनातनी क्या होता है। इन्होंने 200 साल पीछे लेके सनातनी बोल दिया, आज के जमाने में सनातनी कौन है जरा सोचो। और यही बात हो रही, हमारे मराठी के एक बड़े विचारक थे मेपू रेगे करके, उन्होंने एक बढ़िया आर्टिकल लिखा था कि समाज कैसे बदलता है। समाज में सभ्यता होती है और अभिजन वर्ग होता है, जो सनातनी सुनील ने कहा उसको अभिजात बोलते हैं, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज करते, हम
द कश्मीर फाइल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, समझे आप? हम नहीं मानते ना, वो कला है, वो तो डॉक्यूमेंट्री है, उसमें सब सच नहीं दिखाया गया। तो आज हम बोलते हैं और 20 साल बाद हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेपू रेवे ने बहुत बढ़िया लिखी थी, अभिजन वर्ग जो होता है उसकी उन्होंने डेफिनेशन लिखी कि समाज में जब कोई अभिजन वर्ग होता है, कि हम कल्चर मान, हम कल्चर रिकॉग्नाइज करते हैं, हम अगर आपको सर्टिफिकेट देंगे तो ही आप सुसंस्कृत है, वरना आप तो अनाड़ी है। ये कहने वाला एक वर्ग होता है कि मोदी बहुमत लाए कोई बात नहीं, हम नहीं उनको रिकॉग्नाइज करते। ये जो अभिजन वर्ग होता है उस पर रेगे जी ने बहुत बढ़िया डिफिनेशन दिए कि ये अभिजन वर्ग जो होता है वो उनके परिक्रमा में जो लोग हैं उनके साथ बड़ी सभ्यता से पेश आता है, लेकिन उनकी परिक्रमा के बाहर जो होता है उसके साथ अतिरेकी असभ्यता से बर्ताव करता है। समझते हैं आप मोदी जी क्यों महात्मा बनने वाले हैं? और उस वक्त, अब आज की बात मैं मोदी जी की कर रहा हूं, लेकिन आप 150 साल पीछे जाओ तो आपको पता चलेगा उस समय के मोदी खुले थे, जिनको हम आज महात्मा ज्योतिराव फुले बोलते हैं। ये समझना जरूरी होता है, लेकिन ये हम उसको रिवंटर के देखना चाहिए। और ये हर समय हमारे ज्ञानेश्वर थे, संत महात्मा थे, उनकी हालत देखो उस समय की, आगे जाके हम उनको महात्मा बोलते हैं। तो ये मैं देखते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, कुछ बातें करता हूं, लेकिन बातें भी करता हूं तो मैं समझ नहीं कि शिव विश्वनाथन नाम के कोई प्रोफेसर है, टीवी पर आपने बार बार देखे होंगे, 26 मई जिस दिन मोदी जी का पहला शपथ विधि हुआ था उस दिन उन्होंने हिंदू डेली में एक आर्टिकल लिखा था, हाउ मोदी डिफीटेड लिबरल्स लाइक मी। ये इन्होंने लिखा, मैंने सोचा कि ये तो लड़े नहीं, इनको मोदी जी ने कैसे हराया, मेरी समझ नहीं आया कि अगर ये लड़े नहीं, ये तो प्रोफेसर है, ये तो चुनाव लड़े नहीं, इनको हराया कैसे। तो उन्होंने लिखा था उस आर्टिकल में कि इन्होंने हमारी आइडिया डिफीट किए, लेकिन हम उस आइडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि महात्मा भूले उस जमाने के थे, आज के जमाने के महात्मा कौन है, तो हम किसकी मदद करें, किसकी मदद करें, डरे हुए ये इकोसिस्टम है। और जो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर ये किसी को गलत मानते हैं तो मान लो कि ये सही है, ये जो इकोसिस्टम के प्रोफेसर्स वगैरह है। ये एक बात बोल दूं कि मैंने शायद मैं दुनिया का इंडिया का पहला पत्रकार, अकेला पत्रकार रहूंगा कि जिसने 2013 में मैंने एक सीरीज लिखी थी कि मोदी जी को बीजेपी का लीडर बना दो, ये आपको मेजोरिटी लाके देगा। तो मेरी मजाक उड़ाई गई, मराठी पत्रकार में मजाक उड़ाते थे मेरी, ये कहां से उड़ाता है। बात यह होगी 2013 में मोदी जी को लीडर बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिशर मेरे पास आए और बोले वो जो आपने सीरीज लिखी थी उसका किताब बनाएंगे। तो उस वक्त उस किताब में मैंने बोला ठीक है बना दो, उसके लिए मैं एक आर्टिकल और लिखूंगा, और उस आर्टिकल जो था उसका हेडिंग में बता देता हूं आपको, असाबियाचा आधुनिक अवतार, असाबिया का आज का अवतार, ऐसा मैंने वो एक आर्टिकल लिखा था नया, और बाकी 8 महीने पुरानी सीरीज थी, तो उसकी किताब बनी। लेकिन अजीब बात है कि वो जो मैंने अगस्त 2013 में लिखा था, जो किताब दिसंबर 2013 में पब्लिश हुआ, 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी क्या करने वाले हैं ये मैंने अगस्त 13 में लिखा था,
तो वो मोदी करने लगे तो 2017-18 में जेएनयू वाले चिल्लाने लगे ये मोदी क्या कर रहे। मैंने उसमें लिखा था उस वक्त अगस्त 13 में जो आर्टिकल लिखा उसमें लिखा था कि मोदी जी नेहरू वगैरह जो जेएनयू है उसको साफ करने वाले। तो ये बाद में बोलने लगे कि नेहरू जी का सब खत्म कर रहे आज बोल रहे। तो क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा था, असाबिया का मतलब ये, इब्न खालदून नाम का हिस्टोरियन था, इसने इस पर लिखा है कि तीसरी पीढ़ी जब होती है, चौथी पीढ़ी होती है, उसको अपने दादा की या परदादा की शर्म लगने लगती है, वहां से उस एम्पायर का खात्मा शुरू हो जाता है। राहुल गांधी चौथी पीढ़ी के मेरे ख्याल, ये उसमें मैंने लिखा था 2013 में। असाबिया का मतलब ये होता है कि उन्होंने लिखा है, इब्न खालदून का कहना है कि जो एक एम्पायर खड़ा कर देता है, वो एम्पायर जब खड़ा कर देता है तो उस उसके साथ जो होते हैं लोग, उसके साथी होते, सहयोगी होते, वो सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए राजी होते, तैयार होते, मरने के लिए तैयार होते। लेकिन फर्स्ट अमंग द इक्वल करके वो राजा बादशाह बन जाता है, लेकिन जब वो एम्पायर खड़ा हो जाता है तो वो बादशाह बनता है, राजा बनता है, बाकी के सरदार बनते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जब आती है तो उन्होंने अपने बाप को देखा होता है, वो औरों का रिस्पेक्ट कैसे करता है। लेकिन तीसरी जनरेशन ने ये देखा नहीं होता है, तीसरी जनरेशन को लगता है कि मेरा दादा मेरा बाप ये था इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी जो है वो कचरा है, गुलाम है। अब गुलाम भी आजाद होते हैं आज के जमाने में, ये तो बात अलग है। तो इस ढंग से जब वो बर्ताव करने लगता है तो एम्पायर खत्म होने लगता है, और इसलिए उसको खत्म करने वाला जो है वो आउटसाइडर होना चाहिए, वो दिल्ली वाला नहीं होना चाहिए। मोदी जी आउटसाइडर थे, फुले जी आउटसाइडर थे, बाबा साहब अम्बेडकर आउटसाइडर थे। तो असाबिया का मतलब हमें समझना जरूरी है कि जो वहां होते जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट उस सिस्टम में, इकोसिस्टम में होते, वो कभी बदलाव नहीं लाते, वो कभी बदलाव नहीं लाते, परिवर्तन नहीं लाते। परिवर्तन लाने वाला आउटसाइडर होना चाहिए। और मेपुर रेगे जिनका मैंने रेफरेंस दिया, वो लिखते हैं कि जब अभिजन वर्ग अन्याय करता है तो उसको तोड़ने वाला बाहर से आना पड़ता है, और जब बाहर से आता है तो ये लोग पहले उसको एक्वायर करना चाहते हैं, और एक्वायर नहीं कर पाते तो उसको खत्म करना चाहते। तो मोदी जी के खिलाफ, फुले जी के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ महागठबंधन क्यों होते थे ये सोचो। तो आप, मेरा ख्याल है कि आज के महात्मा फुले आपको समझ में आएंगे। दोस्तों मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहीं रुकता हूँ। नमस्कार।